हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी दे राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। तो देखिए, ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइपिंग के बेस DSSV। तो देखिए, बहुत कमेंट आ रहे हैं बैक स्पेस को लेकर और भी आपकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, बैक स्पेस, आप बैक स्पेस यूज कर सकते हो, जितनी बार चाहो आप बैक स्पेस अपना यूज कर सकते हो। यदि आपकी कोई मिस्टेक हो जाए तो अपना बैक स्पेस यूज जरूर करें, आप बैक स्पेस यूज कर सकते हो, लेकिन अपनी आदत ऐसी बनाए कि आपको बैक स्पेस यूज करना ही ना पड़े। कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो बैक स्पेस यूज करते रहते हैं, तो ऐसा ना करें, अपनी आदत को चेंज जरूर करें, कम से कम बैक स्पेस का यूज हो, ऐसी अपनी टाइपिंग की स्पीड बनाए, एक्यूरेसी रखें अपनी। चलिए आगे देखते हैं कि कीबोर्ड कैसा मिलेगा आपको। तो देखिए, बहुत सारी कंपनियों के कीबोर्ड रहते हैं हर इंस्टीट्यूट में। आपने रिटर्न एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा सेम कीबोर्ड नहीं होते हैं, सबके अलग अलग कीबोर्ड होते हैं, हर कंपनी के कीबोर्ड मिल जाते हैं। कीबोर्ड आपका ठीक ही रहेगा, अपना इंस्टीट्यूट पे जाए, डेली आप अलग अलग कीबोर्ड पे अपनी टाइपिंग जरूर करें। सभी जितने भी कीबोर्ड है वहाँ पर सभी पे टाइपिंग करें। अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड रहते हैं, कोई सॉफ्ट होता है कोई हार्ड होता है, तो सब पे अपनी प्रैक्टिस जरूर करें। तो देखिए, आपको वहाँ पर एक पेज मिलेगा इस प्रकार का, उसमें आपके 1750 स्टॉक हो गए, तो आपको अपना टाइप करना है जैसा कि इसमें लिखा हुआ वैसा ही आपको टाइप करना है। टैब यूज करना आपको पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, टैब यूज करके करना आपको। यदि आपका कंप्लीट हो जाता है 10 मिनट से पहले तो आपको दोबारा एंटर मार के यहाँ से स्टार्ट कर देना है। जब तक आपकी 10 मिनट नहीं होती आपको टाइप करते रहना है। तो देखिए, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये पॉइंट है, वाइल टाइपिंग इफ द कंप्यूटर गोज आउट ऑफ ऑर्डर द कैंडिडेट शुड नॉट डिस्टर्ब अदर बट शुड रिमेन स्टिल क्विक एंड इन्फॉर्म द इन्विजिलेटर। आपको इन्फॉर्म करना है। हाउएवर द कैंडिडेट शैल हैव द लाइबर टू प्रोसीड विद द टेस्ट यूजिंग द कंप्यूटर प्रोवाइड बाय द बोर्ड, नो फ्रेश चांस। आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा, नो फ्रेश चांस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट इफ कंप्यूटर गोज आउट ऑफ ऑर्डर ड्यूरिंग द टेस्ट। आपको कोई दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा टाइपिंग को लेकर, इसलिए अपने जो पैर है वह CPU या किसी भी वायर को टच ना करें। आपकी टाइपिंग नोटपैड पे होनी है। आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी स्टार्ट टाइपिंग एंड स्टॉप टाइपिंग की, 10 मिनट्स क्या टाइपिंग टेस्ट रहेगा आपका। तो देखिए, आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। टोटल स्टॉक कितने हैं, तो देखिए पेज में आपको 1750 स्टॉक मिलेंगे, आपको पेज मिलेगा उसको टाइप करना आपको। यदि एक बार कंप्लीट हो जाए पेपर टाइप पूरा तो स्टार्टिंग से दोबारा स्टार्ट करना आपको। हर पोस्ट की अपनी स्पीड अलग है, कल मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वो आप देख सकते हो। पेज टाइपिंग आपकी, देखिए एरर की बात करें कितने एरर माफ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अभी तक। जितने भी कैंडिडेट थे 61/15 जिन्होंने क्वालिफाई किया है दास ग्रेड 4, उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और ना ही कीबोर्ड को लेकर कि आप अपना कीबोर्ड लेके जा सकते हैं नहीं लेके जा सकते। कोई कैंडिडेट कह रहे लेके जा सकते हैं, कुछ कैंडिडेट है जो मना कर गया कि आप अपना कीबोर्ड नहीं लेके जा सकते। तो ये तो आपको जब 14 दिसंबर को एग्जाम होगा उसी दिन पता चलेगा कि अपना कीबोर्ड लेके जा सकते हैं नहीं लेके जा सकते। एरर देखिए आप कितनी एरर कर सकते हो, कोई रिटर्न में नहीं है कहीं पर भी, ना ही किसी नोटिफिकेशन में आया अभी तक। देखिए आप
कम 2000+ स्टॉक कीजिए और आपके 4 से 5 एरर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यदि आप 2000+ अपने स्टॉक करते हो, 4 से 5 गलतियां तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। देखिए DSSB का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपकी टोटल ऑफ 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, सब कुछ एरर को अपने कार्ड ट्वीट कर। तो अपने 2000+ स्टॉक रखिए और 4 से 5 गलती ही करें, बस ज़्यादा नहीं करें। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन जो आपसे शेयर करनी थी, चैनल पर नजर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।